मॉम स्माइल। अरे अरे पोना भाई जल्दी से ये प्लास्टिक हटाइए, हटाओ। मही अरे जल्दी निकालो पापा, दादी सास को घबराहट हो रही है, अगर वो सांस नहीं ले पाई तो वो तो पुतला और सास। इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट भाई, तुम्हें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध किया था कि पौधे में जान होती है, और तुम ये सिद्ध करना चाहती हो कि पुतलों में भी जान होती है। कर, सिद्ध करो। ना 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 ससुमा, मुझे कुछ सिद्ध वगैरह नहीं करना है, मैं बस इतना जानती हूँ कि दादी सास की मूरत सांस ले सकती है। निकालो इसे, निकालो पापा जल्दी। चलो लेके जाओ बाहर। ए भाई, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे मैडम जी बोली थी बगीचे में ले जाके, जहाँ पेड़ खड़े होते हैं ना, वहीं पे मूर्ति खड़ी कर दो। इसीलिए तो पॉलीथिन डाले थे ताकि धूल मिट्टी ना लगे। ए पापा ससुमा, ऐसा क्यों करवा रही हो आप? क्योंकि नहीं चाहिए ये पुतला मुझे मेरे घर में और मेरे हॉल में। हर रोज हर सुबह नहीं देख रही है मुझे इनकी डरावनी शक्ल। वाह वाह वाह, लो बोलो। ससुमा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप जिस मूरत को हटवाना चाहती है वो किसी अजनबी की मूरत थोड़ी ना है, आपकी सासुमा की मूरत है ना। तो बच्ची पता है मुझे, मुझे मत समझाओ, क्योंकि मेरी सास तुम्हारी सास की तरह इंटेलिजेंट मॉडर्न नहीं थी, इसीलिए सेंसिबल नहीं थी। इसीलिए मॉम ब्यूटी विद ब्रेन, सुंदरता और समझदारी का कॉम्बिनेशन जो तुम्हारी सास में है ना, वो मेरी सास में नहीं था, इसीलिए स्मार्ट एंड एक्सपीरियंस। सोनिया सोनिया बस, आगे भी बोलने दोगी? सॉरी मॉम, पर लास्ट टाइम जब आपने क्वालिटीज गिनवाई थी ना तब 12 थी, पर अभी तो 8 ही हुई है। सोनिया कंफ्यूज हो जाती है ना कि क्वालिटीज 8 है या 12। 13 है। हा? पिछली बार जो 12 गिनवाई थी वो, और इस बार एक नई जुड़ गई है, पेशेंस, सहनशीलता। ये रोज तुझे सुनना पड़ता है। अगड़ वदो, अगड़ वदो। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। आप अपनी सासुमा की बुराई कर रही थी सासुमा? हाँ ना, मैं मेरी सासू माँ की बुराई नहीं कर रही थी, मैं तुम्हें समझा रही थी कि मैं इतनी लकी नहीं थी जितनी तुम लकी हो, मेरी सास इतनी सर्वगुण संपन्न नहीं थी जितनी तुम्हारी सास। वाह 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 अनुसुया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वाला मिट्ठू भी अपनी खुद की तारीफ इतनी नहीं करता होगा जितनी की तू कर रही है। सासू माँ, आप इस मूरत को घर से क्यों बाहर निकलवाना चाहती हो? अरे क्या बिगाड़ा है इस मूरत ने आपका? जब से ये मूरत घर में आई है कंफर्टेबल नहीं हूँ, एक अजीब सा डिसकंफर्ट है मुझ में। आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। कुछ बोल रही है देख। हाँ वैसा बिल्कुल नहीं होगा सासुमा, आपको एकदम पोर्टेबल फील होगा, लेकिन इस मूरत को घर से बाहर मत निकाले बस। पोर्टेबल, इट्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। चले चले, कंफर्टेबल पोर्टेबल सब एक का एक ही होता है, लेकिन ये मूरत घर से बाहर नहीं जानी चाहिए बस। तो देखो, माना कि मेरे पार्टी के लोग तुम्हें मेरा बॉस बनाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस घर में मेरा बॉस बनने की कोशिश मत करो। सासुमा मुझे आपका बॉस नहीं बनना है, घर में भी आप बॉस, ऑफिस में भी आप बॉस, लेकिन इस मूरत को घर से बाहर मत निकालिए। देखिए कितने प्यार से इस मूरत को मैं गांव से लेकर आई थी, तो अब इसे बेघर मत कीजिए। वाह वाह मही, काश तू मेरी बहू होती, हमारी जोड़ी कितनी ऐतिहासिक होती, लोग हमारी जोड़ी का मिसाल देते। मुझे मत सिखा कि मुझे क्या करना चाहिए, और ज्यादा चपड़ चपड़ की ना तो इस पुतले के साथ तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगी, समझी? अरे तेरी तो मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि करना आता नहीं है मुझे। अब मैं सिखाती हूँ। दादी सास, दादी ससुमा की मूरत को घर से बाहर मत निकालिए। पोना पुतले को बाहर निकालो, चलो। नहीं नहीं, मैं दादी सास की मूरत को बाहर नहीं ले जाने दूंगी। मही
पुतले के सामने से हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं ले जाने दूंगी। मही हटो। नहीं 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 नहीं। मही हटो। नहीं प्लीज प्लीज समझिए सासू माँ। हटो मैं कह रही हूँ। और फिर पूछती है चोट तो नहीं लगी? सासुमा, दादी सास की पुरत को घर से बाहर मत निकालिए। ओ पुतले को मत हटाइए, पुतले को मत हटाइए, इसे घर में ही रहने दीजिए। ठीक है रखो इस पुतले को यहीं पे इस घर में, बिल्कुल मेरी सास की तरह है सिद्धि। जैसे मेरी सास थी वैसी मेरी बहू है, दोनों अक्कलपन। अरे मेरी प्यारी बेबली, सच में तू कितनी अच्छी है। नहीं बता मुझे, तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं दादी सास, अब 50 बार पूछ चुकी हो, देखिए मुझे बिल्कुल चोट नहीं आई। लेकिन मुझे चोट आई है, मेरी वजह से बड़ी बेबली ने तुझे गिराया। ए नैना दादी सास खोटी बात, सासू मैंने मुझे जानबूझ के नहीं गिराया था। ए जजा जानबूझ के तू हमेशा उसकी तरफदारी करती है। खोटी बात दादी सास खोटी बात, मैं सासू मां की तरफदारी नहीं कर रही हूँ। मैं मेरे चाइनीज स्टोर जा रहा हूँ, पता है एक नया चाइनीज प्रोडक्ट आया, बॉस बहुत तारीफ कर रहे थे, देख कर आता हूँ आखिर है क्या। वो जो कुछ भी हो सागर जी, लेकिन जो कोई भी सामान घर में लाओ ना उसके 2 पीस लेकर आना, और सबसे पहला पीस तो सासू माँ को ही देना। बहुत अच्छी है तू। मैं नहीं चाहती पिछली बार वो जो चाइनीज गुलाब की वजह से झगड़ा हुआ था ना वो दोबारा हो। ओके माय डियर वाइफ, तुम कितनी प्यारी हो। मही मही इसी बात पे एक प्यारा सा किस दे दो। सागर जी कुछ तो शर्म कीजिए। अरे काय की शर्म, अपनी बीवी से किस मांग रहा हूँ, पड़ोसी की बीवी से थोड़ी। बराबर छे सागर जी, भी यहाँ बड़े लोगों के सामने। कौन बड़ा है? मॉम तो अपने कमरे में है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं। वहीं किस सास मूरत, दादी सास की मूरत देख रही है। अरे यार दादी की मूरत से कैसी शर्म। अरे नहीं ये सिर्फ मूरत नहीं है ये। ओके बाद में देखता हूँ तुम्हें। मेरे से शर्म है, मैं अपने पुतले के अंदर चली जाती हूँ। अरे नहीं नहीं आप रुकिए। वो तो रुक गया। पहले मना करती हो अब रुकने के लिए कहती हो। वैसे मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर दादी सच में तुमसे मिल पाती ना वो तुम्हें बहुत पसंद करती। चलता हूँ बाय। सच बोल रहा सागर बेटा, मैं मही से मिल चुकी हूँ, मुझे मही पसंद भी है। एक ही चीज है जो मुझे पसंद नहीं है और वो है उसकी जिद। दादी सास अब भूल जाइए ना। मेरे साथ हुआ होता तो मैं भूल जाती, लेकिन मेरी वजह से अनुसया ने तुझे गिराया और इस बात का बदला मैं जरूर लूंगी। बदला मतलब? मतलब मैं उसकी तानाशाही को खत्म करूंगी, घर में भी और ऑफिस में भी। हाय हाय, अब क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मैं ये साबित कर दूंगी कि चंपत भाई को बदतमीजी भरा मैसेज तूने नहीं अनुसुया ने तेरे मोबाइल से किया था तुझे नीचे गिराने के लिए। सात आठ पूरा बैठो। अरे मैडम जी हम तो पौना है ना, पूरा नहीं बैठ सकते, पौना ही बैठ सकते हैं। तो कल से खाना भी पौना ही खाना, पूरा मत खाना। लगता है पौना ने पौने बजे कुछ गड़बड़ की है। मॉम क्या हुआ? अरे सागर भैया हम बताते हैं। पौना खाना बनाते वक्त बात कर सकते हो ना? हाँ तो उठक बैठक करते वक्त भी बात कर सकते हो ना? सागर भैया 100 उठक बैठक करने की सजा मिली है इन्हें।
छोटी बेबली, ये बड़ी बेबली अपने फेवरेट आदमी के अंजर पंजर क्यों ढीले कर रही है? मतलब कि इसको उठक बैठक क्यों करवा रही है? खबर नहीं। सासुमा? ये जोर से पूछ। सासुमा? वो अब ऐसे पोना भाई को ये क्यों करवा रही हो? ये सवाल मेरी सास ने पूछा होगा नहीं? सागर, जवाब दू? मैं पूछता। मॉम, हुआ क्या? मेरी सहेली है ना शालिनी, उसकी बेटी को लड़के वाले देखने आने वाले थे। शालिनी को पोना के हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसलिए एक दिन के लिए मैंने पोना को शालिनी के घर पे भेजा। तो पोना ने लड़को, आगे की कहानी तुम सुनो। हाँ, शुरुआत से सुनाते हैं पूरी कहानी। नहीं नहीं, शुरुआत से नहीं, वो लड़के वालों को चाय दे रहे थे ना, तब से सुनो। पर शुरुआत से कहानी सुनाने का एक अलग ही सुरूर होता है मैडम। तू करने शुरू तो कर। अच्छा, तो उठक बैठक भी शुरुआत से शुरू करने का एक अलग ही सुरूर होता है। तो हम कहानी जहाँ से चाय दिए थे वहाँ से शुरू करते हैं। तो क्या हुआ ना सागर भैया, जैसे लड़कन वालों को चाय दिए, लड़के के पिताजी को लगा कि शालिनी मैडम के यहाँ से हम बरसों से काम कर रहे हैं। 500 रुपए का हरी पत्ती निकाल के वो हमको दिए और पूछे लड़की कैसी है। तो हमने कहा एकदम एक नंबर की है, जुगनू का गठरी लेके ढूंढोगे ना तब भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। फिर? अरे फिर कहा पिताजी खुश, 500 रुपए का हरी नोट हमारी जेब में। लेकिन उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि लड़की की कुंडली कैसी है। हमने कहा लड़की की कुंडली में सुख ही सुख लिखा है, जैसे ही ससुराल में जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी और घर वालों को स्वर्गवासी। फिर उनकी आंखें बड़ी हो गई और हमारी जेब छोटी। वो जो 500 रुपए का नोट हमको दिए थे हमारी जेब से निकाल के टाटा बाय बाय करके चले गए। सचमुच मैं ये तेरा हंसता खेलता परिवार देख के सब लगता है कि अब मैं तो दादी सास, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? आप भी इस परिवार की ही सदस्य हो। हने? जी सर, ओके। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर, जरूर जरूर। क्या हुआ मॉम? आज शाम को चंपक भाई आ रहे हैं। इतनी अर्जेंटली? ऐसी क्या जरूरी बात होगी? वो पार्टी के नए लीडर के लिए सर्वे किया था ना, उसका रिजल्ट आया होगा। पार्टी के चंपक भाई का फोन था ने? हाँ, मिठाई की दुकान। उसको हमने इज्जत से बेइज्जती भरा मैसेज भेजा ना, इसके लिए वो तुझे मिलने आ रहा है बड़ी बेबली। अभी बहुत मजा आएगा, कहानी में और एक ट्विस्ट आएगी। अरे डाई बेबली, क्या हुआ, क्यों परेशान है? अरे सूरजमुखी की तरह खिल खिलाता तेरा चेहरा, आज बासी मेथी की जुड़ी की तरह मुरझा क्यों गया है? बता बता क्या हुआ दीका, बता तेरी परेशानी की वजह बता। आप हो मेरी परेशानी की वजह। हैं? मैं क्यों? वो जो पराक्रम करवाया आपने मुझसे। अच्छा अच्छा, टकलू को जो मैसेज दिया वो? हाँ, बस उसी की वजह से परेशान हूँ। पता नहीं क्यों मानी मैंने आपकी बात। क्योंकि मैंने कहा इसलिए। अरे एक बार मैंने ठान ली, फिर मैं अपने आप का भी नहीं सुनती हूँ। अरे भाई, जब मैं जिंदा थी ना, तभी मैंने खाली 100-200 किलो ही जलसा किया। अब मरने के बाद 1000-2000 किलो जलसा करना चाहती हूँ। मरने के बाद जीने का मजा ही कुछ और है। तू दिल पे मत ले बात को। अरे कैसे ना लू दिल पे बात? देखिए दादी सास, किसी को दुखी करके सुखी होना बहुत गलत बात है। अरे तो ये तेरी फरेल खोपड़ी सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि नहीं, हमेशा तुझे दुखी करती है और खुद ऐसे सुखी होकर घूम रही है। अरे वाह, अब छोड़ दे, फिर से तेरे चेहरे को खिलखिलाता बना दे और मेरे साथ बोल खुश रहो हमेशा, खाओ गठिया समोसा। अरे ये क्या हो रहा है दादी सास? मेरे पाँव के
किसी ने 2.5 किलो वजन रख दिया। आई ये मेरी उंगलियों पे कुछ रख दिया। जा जा के देख, पुतले पे किसी ने कुछ रख दिया। बाप रे, एक मिनट, कौन है ये? अरे रे रे, ये बैग यहाँ किसने लटकाया? पौनी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन हम यूं ही खड़े रह जाते हैं। ये सब क्या है? ये रसगुल्ला है, ये जलेबी है, और इसका नाम हमने अभी रखा नहीं। मजाक कर रहे हो? तो शुरुआत किसने किया? आ जल्दी जल्दी बैग निकाल। शांति हर्ष, ये पौना इसने किया होगा, बैग इसने ही रखी होगी मेरे हाथ पे। पौना भाई, ये बैग आपने लटकाई थी? अरे जब लटकाने का पट्टा है तो लटकाएंगे काहे नहीं। ये सामान हमारे दोस्त गांव से लेके आए हैं, घर से। तो बोलो, आपके घर का सामान दादी सास की मूर्त पर लटकाने का? गाड़ जो अक्कल न उतमिर तेरे को, मैं तू क्या है, तू कैसा लटका दे, तुझे मारू क्या तेरे को? दादी शांति शांति, मारू क्या? अरे मही भाभी, जो घर से हमारे सामान आया उसको हम अपने कंधे पे लटकाए हैं, दादी की मूर्त के हाथ में नहीं लटकाए थे। अच्छा है? तो फिर किसने की ये लापरवाही? होगा कोई लापरवाह। आखिर कौन है वो लापरवाह जिसमें इतनी भी अक्ल नहीं है कि मूर्त पर बैग नहीं लटकानी चाहिए? कौन है वो? मैं हूँ वो। ओ, आ भी गई सुनामी। महामहिम मही देवी, आपके उच्चार सुने मैंने। मैंने लटकाया ये बैग इस पुतले पर। आपने तो मेरे अरमानों को सूली पर लटका दिया। इतने अरमान थे मेरे कि मेरे सागर की शादी मेरे जैसे एक इंटेलिजेंट मॉडल एलीट सर्वगुण संपन्न लड़की के साथ करूंगी, लेकिन तुमने मेरे अरमानों को। एक कॉल आया इसलिए जल्दबाजी में ये बैग मैं पुतले पर लटका के गई। तो तुमने मुझे इतना सुना दिया कि चीजें यहाँ वहाँ कौन रख रहा है और तुम क्या करती हो? जिस तरह से तुम घर की चीजें यहाँ वहाँ रखती हो, इनफैक्ट यहाँ वहाँ नहीं कहाँ कहाँ रखती हो, उसका क्या? फ्लावर वाज में प्याज रखती हो, तुम्हारे गाँव से तुम्हारे मेहमान आते हैं तो उनकी मेहमान नवाजी में तुम इतनी मग्न हो जाती हो कि सागर के टिफिन में सैंडविच के जगह पे रुमाल रख देती हो। रुमाल? क्रिश्चियन वेडिंग में सेक्सोफोन की साज पर जोर जोर से गरबा करके लाज शर्म यहाँ वहाँ रही है। गरबा? वो सब चलता है। एक दिन गलती से मैंने ये बैग के इस पुतले पर लटका दी, तुमने तो लाई का पहाड़ बना लिया, और फिर जोर जोर से चिल्ला रही थी घर में कि कौन है जिसने अक्ल नहीं है इस बैग को पुतले पर टांग दिया, कौन है वो लापरवाह। चलो मैं कहती हूँ, मैं हूँ वो लापरवाह, मुझसे गलती हो गई, मैं हूँ दोषी। क्या सजा देंगे आप मुझे? सजा तो तुझे मैं दूंगी अनसुया। ससुमा ससुमा, इतना बुरा क्या मान जाती हो आप? मैं तो बस छोटी सी चीज बोलना चाहती थी ऐसे ससुमा कि ये देखिए दादी सास की मूरत है, तो अगर इस पर हम ऐसे भारी वजन रखेंगे तो उनको भी तकलीफ होती होगी। पहली बार मुझसे इतनी सी गलती क्या हो गई, तूने मुझे इतना कुछ सुना दिया। अच्छा है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब तो हर रोज में जान बूझ कर ये सब करो। देखती हूँ किसे बुरा लगता है और कौन मेरा क्या बिगाड़ता। सासुमा, चल हट। सासुमा, सॉरी सासुमा। Thank you.
मही की दादी सासू माँ एंजॉय निष्ठुर बेबली ये क्या करके गई तू मुझे मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अरे कोई निकालो इसको मई मई जल्दी आ किसने किया ये सासू माँ हाइस अरे वायर से मुझे ऐसे दम घुट रहा था मेरा कहाँ गई कहाँ गई वो बिगड़ेल बेबली गई का अभी उसको मैं देख ठिकाने लगाती हूँ मैं छोड़ूंगी नहीं नहीं दादी सास नहीं कुछ मत कीजिए आप क्या करना चाहती हो आप क्या करना चाहती हूँ मतलब तेरी सास को मैं खास बनाने जा रही हूँ बिल्ली जैसी मूछ टोमी जैसी पूछ कौवे जैसा नाक और गधेड़े जैसे कान मैं बनाती हूँ रुक तू ना 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 दादी सास फिर मेरी सासू माँ तो इंसान ही नहीं रहेगी ना तो वैसे भी तेरी सासू माँ इंसान है और इंसान ऐसा करता है किसी के साथ गले में ऐसे वायर डाल दिया मेरे फिर मेरी नाजुक उंगलियों में ऐसे खच करके पेपर डाल दिया अंदर पेपर छोड़ूंगी नहीं मैं मेरी बहू को मैं छोड़ूंगी बस 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 शांत हो जाइए दादी सास एकदम शांत गुस्सा भूल जाइए और देखो आपने कहा है ना हंसते रहो हमेशा खाओ गाठिया समोसा तो ला गाठिया समोसा ला अभी हाँ ठीक है अगर आप गुस्सा भूल जाओगी तो मैं आपके लिए गाठिया और समोसा लेकर आऊंगी अब देख तूने गाठिया समोसा का नाम लिया ना मेरा गुस्सा उड़न छू हो गया नहीं तो वरना दूसरी बार मैं छोड़ूंगी नहीं उसको बोल देती हूँ उसको बना दूंगी मैं गोल गोल जलेबी की तरह जलेबी तो ला लाऊंगी लाऊंगी सब लाऊंगी गुस्सा भूलो जलेबी आएगी तो जा बनना अभी किचन में करती क्या रहती है ऐसे बनना ना जलेबी किसी भी वक्त पार्ट आते होंगे घर में बाकी सब तो ठीक है बस ये पुतला बीच में आ रहा है अरे हमारी लुगाई ने मारा डंडा दिमाग होइगवा ठंडा दिमाग हो गया ठंडा मैडम जी मैचिंग फॉलो करते हैं अच्छा पोना सुनो चंपक जी आते ही होंगे चंपक जी को कड़क गरम तीखी चाय पसंद है अरे मैडम जी फिकर नाट हो जाइए लाल मिर्ची कूट के ऐसी तीखी चाय बनाएंगे ना कि पीते ही दिमाग भंडाट हो जाएगा और कान से धुआं छोड़ेंगे पोना लाल मिर्ची वाली तीखी चाय नहीं अदरक डालना अदरक है घर में अदरक हुआ तो देखना पड़ेगा जल्दी देखो अगर फ्रिज में नहीं होगा तो बाजार से लेके आओ जाओ जल्दी हाँ मैडम जी की तवेलवा आपके रूम में रख के अभी हम देख के आते हैं अदरक हुआ है कि नहीं वो मैं रख देती हूँ तुम जल्दी फ्रिज में चेक करो वरना बाजार में जाओ जल्दी भागो 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 आपको देखते तुरंत ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ मैं क्यों देखूं मैं आपकी शक्ल नहीं देखनी मुझे फ्रेश होके आती हूँ टॉवेल डाल दिया पिगड़ल बेबली ने अरे श्वास नहीं ले सकती हूँ मैं निकल हाय हे भगवान मेरी सासे चली जाती तो मैं ऊपर पहुंच जाती तो हे भगवान क्या बोल रही हूँ मैं तो ऊपर से ही नीचे आई हूँ दिवाली तू गड़बड़ क्यों कर रही है लेकिन मही की बिगड़ेल सास तूने अपने सास की सांस रोक ली मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं और इस बार मैं मही को भी कुछ नहीं बताऊंगी बिगड़ेल बेबली को मैं सबक सिखाऊंगी अरे वाह मही भाभी सागर भैया के लिए मीठी वाली चाय बना दी आपने अब वो टकलवा के लिए कड़क तीखी चाय बनानी है
अदरक हुआ है? अदरक तो नहीं है। हम लेके आते हैं। अरे तकलवा के पिलाएंगे चाय, वो करेगा एंजॉय, वो करेगा एंजॉय, वो करेगा एंजॉय। खुशबू आई ना, तेरी चाय भी मीठी होती है, खुशबू भी बहुत मीठी होती है, वहां तक आई मुझे तो मैं खुशबू लेने आई। हाँ जाओ जाओ दादी सास, कोई पर इतनी तारीफ मत करो। ये दादी सास, ये तौलिया लेकर कहाँ जा रही हो? नाने जा रही हूँ मैं। जाओ जाओ, एक मिनट दादी सास, ये कहीं आप मेरी सासू माँ को परेशान तो नहीं करने वाली ना? कोई खेल तो नहीं खेलने वाली हो ना? ना बाबा ना, कोई खेल नहीं खेलूंगी, लेकिन आज दिवाली को होली खेलने का मन हुआ है। होली? ओहो, अरे होली को तो बहुत टेम है। कब है होली? होली कब है? होली कब है? कब है होली? कब है होली? जब भी है होली, मेरे लिए होली अब है। दादी सास, दादी सास। दादी सास ने तो ये हल्दी का डब्बा खुला क्यों है? दादी सास, चावल, हल्दी, सासुमा। अरे मेरे कमरे में टॉवल क्यों नहीं है? ओ, टॉवल मूरत से उतार दिया और घड़ी करके रखा है। नहीं नहीं किया होगा। क्यों चिल्ला रही है मही? मस्त लग रहे हो मम। मम एक फोटो खींच लूं? एक मस्त स्टेटस दिमाग में आया है, मेरी नीली पीली सासू माँ, मस्त है मस्त। नीली पीली? और सुया, तूने मेरे चेहरे पे टुवाल डाला थे ने, तो मैंने तेरे चेहरे पे हल्दी डाली। होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। किसकी है ये हरकत? मेरी हरकत है। किससे किया ये?
आ गई मिठाई की दुकान। मैं तुम्हें देखा लूंगी। सासू माँ, दादी सासू तुम। चल जल्दी शुरू कर टकलू। तेरा मोबाइल दे लो, जरा सबको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। टोपी निकल, सर कुछ जगह दे। ठीक है चल। टकले में चार बाल, मोटा फुसट, वाह क्या संबोधन दिया है, जैसे चाशनी में डूबा हुआ गुलाब जामुन। ऑर्डर दू? 4 किलो। ओहो खुल गई मिठाई की दुकान, खुली टेसड़ा पड़ी जैसे। हेलो नरोत्तम दास मिठाई वाला, 4 किलो गुलाब जामुन। आज तक लोगों ने मुझे सर, प्रभु जी, गुरु जी ऐसा सब कहा, ये सब संबोधन दिया है, मोटा और खुशक मुझे किसी ने नहीं कहा। आगे लिखा है, तुम उम्र दराज लोगों की सोच बासी झोंकले जैसी होती है। तेरा मुंह क्यों बासी ढोकले की तरह हो गया? आगे है, तेरा पेट पार्टी का पैसा और खाना खा खा के गोल मटोल टायर जैसा हो गया। आज के जमाने में जिसका पेट गोल मटोल हो तो उसे क्या गोल मटोल टायर कहते हैं? अरे कहना है तो गोल मटोल काला जामुन कहो। रसगुल्ले वो थोड़ा सफेद होते हैं ना। गुड सजेशन रसगुल्ला। हाँ तो रसगुल्ला कहो। सर ऑर्डर दूं? हाँ 3 किलो काला जामुन और 5 किलो रसगुल्ले। सागर भैया ये नेता है कि हलवाई? चलो आगे बढ़ दे। हाँ हाँ चलते हैं, बैठे बैठे बोर हो गए। चलो सोनिया। हाँ? वो बात आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर, आप कंटिन्यू करिए। आगे बढ़ दे। आगे लिखा है कि तुम लोग जब वोट लेने के लिए आते हो तो झूठे झूठे वादे करते हो जो कभी पूरा करते ही नहीं। कपटी हो आप लोग कपटी। अगर मैं तुम्हारी पार्टी में आ गई तो सारे के सारे नेता की मैं पोल खोल दूंगी, बर्बाद कर दूंगी तुम्हारी पार्टी को। हाँ ऐसा वाहियात मैसेज आपको कौन भेज सकता है? भाई ये मैसेज तेरे मोबाइल से गया है, लेकिन देख अब मैं कैसे बाजी पलटूंगी। ये मैसेज इसी घर से ही आया है। किसने भेजा है सर? मॉम हैंडराइटिंग मैच करके देखते हैं, तुरंत पता चल जाएगा। इसमें इतनी सारी अक्कल कहां से आती है? सोनिया छवि नहीं था और मजा भी नहीं आया। सोनिया मोबाइल पर मैसेज टाइप होकर आता है ना, तो उस पर हैंडराइटिंग कैसे मैच कर सकते हैं? सर किसके नंबर से आया था? मही के नंबर से यह मैसेज आया है। चंपक भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक मिनट मही, जब तक मैं रस मलाई ना खा लूं तब तक कोई बीच में नहीं बोलेगा। ओम शांति। ऑर्डर दूं? 4 किलो। हेलो नरोत्तम भाई। हाँ 4 किलो रस मलाई। हाँ अब तू शांति रखने, तू देखती नहीं है ये रस मलाई खा रहे हैं? तू क्यों बीच में दाल ढोकली डाल रही है? अरे मंगाओ मंगाओ रस मलाई, जो मंगाना है मंगाओ भाई, जल्दी मंगाओ, फिर कुछ आता नहीं है घर में। मैसेज मही के मोबाइल से आया, मतलब मैसेज मही ने नहीं किया है। अरे वाह ये मिठाई की दुकान तो समझदार निकली। ले मेरे साबित करने से पहले ही मान गया कि मही ने मैसेज नहीं किया है। अरे वाह वाह इतनी खुशी तो मुझे स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। मर के जीने का मजा ही कुछ और है। मही ऐसा मैसेज क्यों करेगी, हमारी पार्टी तो उसे
काजू कतरी खिलाना चाहती थी, मतलब कि उसे चेयरमैन बनाना चाहती। 6 किलो। इसलिए जिसने भी ये मैसेज भेजा है वो हमारे मन में मही की छवि खराब करना चाहता था या थी। लेकिन सर, मही के मोबाइल से आपको कौन मैसेज कर सकता है? शायद तुम, अपनी मॉम की पोजीशन वापस दिलाने के लिए। नो सर। शायद रोहित या शायद सोनिया या फिर इस राजमहल की रानी स्वयं अनसुया देवी भी ये मैसेज कर सकती है। सर, क्या आपको ऐसा लगता है कि इतनी घटिया हरकत मैं कर सकती हूँ? राजनीति में ऐसे कई पैंतरे अजमाए जाते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हो अनसुया देवी। सर, मैंने ना ही कभी राजनीति अपने पार्टी के साथ की है और ना ही कभी अपने पार्टी के लोगों के साथ। साहब, सासू मां बिल्कुल सच कह रही है, उन्होंने कोई राजनीति नहीं खेली। वो बदतमीजी भरा मैसेज मैंने ही आपको भेजा था। सासू मां के फोन से मैंने ही आपका नंबर चुराया था और वो बदतमीजी भरा मैसेज लिख दिया। मही, क्या किया तुमने? सॉरी सागर जी। पर ऐसा क्यों किया तुमने? सब कुछ अपनी सासू मां के लिए किया। वाह 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 मही, हमें आप जैसे सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की ही जरूरत है, क्योंकि राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो आईना दिखाते हैं। अब सच कह रहे हैं, हम पार्टी के काम के लिए हमारी जेब से 1 रुपया भी खर्चा नहीं करते। पान खाना हो ना तो भी पार्टी के पैसे से खाते हैं, वो भी 15 रुपया वाला। क्या बात है सर, मिठाई के बाद मीठा पान, वाह। ऑर्डर दूं? दो दो पान का ऑर्डर, वो भी पार्टी के पैसे का नहीं, हमारी जेब के पैसे का। हाँ सर। सच में मही, हमारी सोच बहुत ही पुरानी बासी ढोकले जैसी हो गई है। अरे होगी ना, मेरी उम्र के यानी 50-60 की उम्र के बहुत सारे नेता है पार्टी में जो अपने पुराने विचार जबरदस्ती थोपते हैं, और हमारी पार्टी में जितने कौभांडी नेता है उसका हमने बचाव ही किया है, हमने कभी उनकी बोली नहीं खोली। इसलिए हमें तुम्हारे जैसे लीडर और सत्यनिष्ठ नेता की जरूरत है। अरे वाह, क्या बात है! आहा, मेरे को मजा पड़ी गयो, खुश हो गई मैं। रा 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 रा। चल चल चल, अरे तू तो छा गई, चल चल गरबा कर मेरे साथ। देखिए साहब, साहब मैं आपके विचार की कद्र करती हूँ, लेकिन मैंने आपको बदतमीजी भरा मैसेज इसीलिए भेजा ताकि आप मुझसे नाराज हो जाओ। और ये कुर्सी मेरी सासू माँ को वापस दे दो। वाह, जो बहू अपनी सास की खुशी के लिए सारे इल्जाम अपने सर पे ले लेती है, वैसी ही बहू हमारी पार्टी की भावी नेता बन सकती है।